हेलो बच्चों, एक बार फिर स्वागत है आपका अपने चैनल एपीएस साइंस सठुमर में। दिस इज रॉबिन खंडेलवाल। तो बच्चों, लास्ट जैसा कि आपको पता है हमने चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट किया था। चैप्टर नंबर 5, ठीक है, इट विल बी कंटिन्यू। और चैप्टर का नाम क्या था? लॉज ऑफ मोशन। लॉज ऑफ मोशन चैप्टर नंबर 5, लॉज ऑफ मोशन। तो बच्चों, लास्ट वीडियो में हमने फोर्स के बारे में सीखा था, यानी बल। लास्ट वीडियो में हमने बल को पढ़ लिया था कि बल क्या होता है। तो हमने सीख लिया था कि बल से हम क्या कर सकते हैं, स्थिति में परिवर्तन कर सकते हैं। बल से हम स्थिति में क्या कर सकते हैं भाई? परिवर्तन कर सकते हैं, या परिवर्तन करने का प्रयास कर सकते हैं। क्योंकि तो जरूरी नहीं है कि आपने किसी वस्तु पर, किसी ऑब्जेक्ट पर आपने फोर्स अप्लाई किया और उसकी स्थिति में क्या हो गया? परिवर्तन हो गया। तो बल वह कारक है जो किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन करता है या फिर परिवर्तन करने का प्रयास करता है। ठीक है, हमने देखा था कि जो बल की बात है, फोर्स जो है वो डिपेंड करता है आप किस तरह, मतलब किसी भी वस्तु पर हमने फोर्स लगाया और वो किस पथ का अनुसरण करेगी, किस मार्ग का वो अनुसरण करेगी, तो डिपेंड करता है कि आपने फोर्स कहाँ पे लगाया है। अगर हमने देखा था कि अगर आप वस्तु के वेग की दिशा में, विस्थापन की दिशा में फोर्स लगाते हो तो पथ कैसा बनता है बच्चों? सरल रेखीय। ये सब हमने पढ़ लिया था, थोड़ा रिमाइंड कर रहे हैं। अगर मान लो गति की हमने लंबवत दिशा में फोर्स लगा दिया तो पथ कैसा बन जाता है बच्चों? परवलयकार बन जाता है, परवलयकार। और अगर प्रत्येक समय पर, प्रत्येक क्षण फोर्स अगर लंबवत दिशा में लग रहा है तो बच्चों पथ कैसा बनता है? वृत्ताकार। पथ कैसा होता है? वृत्ताकार ही फोर्स है। ठीक है, हमने सीखा था कि अगर किसी वस्तु पर जो नेट फोर्स है समेशन एफ आई, वो अगर जीरो है तो इन्हें बोलते हैं संतुलित बल। तो वस्तु जो है वो कैसी रहेगी? विराम अवस्था में रहेगी। वस्तु कैसे रहेगी बच्चों? विराम अवस्था में रहेगी। और अगर किसी वस्तु पर बहुत सारे बल लग रहे हैं लेकिन नेट फोर्स जीरो नहीं है, ठीक है, तो वो असंतुलित बल कहलाते हैं। तो वस्तु हमेशा जो गति करती है वो परिणामी बल की दिशा में गति करती है। कौन सी दिशा में? परिणामी बल की दिशा में, परिणामी बल के अनुदिश गति करती है। ठीक है, ध्यान रहे कि वस्तु हमेशा कौन सी दिशा में गति करती है? परिणामी बल के अनुदिश वो गति करती है हमारी वस्तु। क्लियर है? ओके, तो नेक्स्ट यानी आज का हमारा जो टॉपिक है फोर्स के बाद हम समझेंगे कि भाई जड़त्व तो क्या होता है, इनर्शिया। व्हाट इज इनर्शिया? ओके, तो अभी देखो हम फोर्स की जो एक मैथमेटिकल डेफिनेशन या उसका मात्रक विमा हमने नहीं पढ़ी है, वो आगे टॉपिक में पढ़ेंगे। ठीक है, लॉज पढ़ेंगे जब पढ़ेंगे। तो आज का टॉपिक हमारा क्या है भाई? जड़त्व। जड़त्व क्या बोलते हैं इसको? इनर्शिया। जड़त्व यानी इनर्शिया। ठीक है, तो जड़त्व क्या है? अब कहने का मतलब ये हुआ कि वस्तु की स्थिति में परिवर्तन करने के लिए हमें फोर्स लगाना पड़ता है। हमें क्या लगाना पड़ता है? बल लगाना पड़ता है। तो बल क्यों लगाना पड़ता है? इसका आंसर है जड़त्व के कारण। किसके कारण? जड़त्व के कारण। तो जड़त्व एक प्रॉपर्टी है, एक इनहेरेंट प्रॉपर्टी है, एक आंतरिक गुणधर्म है किसी भी वस्तु का, जिसके कारण वो जिस स्थिति में है, वो जिस अवस्था में है, वो उसी अवस्था में रहना चाहती है। यानी वो अपनी अवस्था में परिवर्तन करने का विरोध करती है। इसलिए हमें किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन करने के लिए बल लगाना पड़ता है। किसके कारण लगाना पड़ता है? जड़त्व के कारण। तो जड़त्व एक ऐसा गुण है, ध्यान रहे कि जड़त्व कोई भौतिक राशि नहीं है, जड़त्व एक गुण है किसी भी वस्तु का, जो अपनी स्थिति में होने वाले परिवर्तन का क्या करता है? विरोध करता है। जैसे अगर मान लो कोई वस्तु विराम अवस्था में है, स्थिर अवस्था में है, तो वो स्थिर अवस्था में ही रहना चाहती है जड़त्व के कारण।
अगर कोई वस्तु गतिशील अवस्था में है तो वो उसी वेग से गतिशील अवस्था में रहना चाहती है जड़ के कारण। कोई निश्चित दिशा में वस्तु गतिशील है तो वो उसी दिशा में गतिशील रहना चाहती है जड़त्व के कारण। तो जड़त्व एक गुण है, कोई भौतिक राशि नहीं है, जड़त्व द्रव्यमान का मापक है। जैसे मान लो कोई हल्की वस्तु है, आप उसे उठाओगे तो आपको थोड़ा कम बल लगाना पड़ेगा, कोई भारी वस्तु है तो आपको ज्यादा फोर्स लगाना पड़ रहा है। इसका मतलब यह हुआ कि हल्की वस्तु का जड़त्व कम है, विरोध कम है, और भारी वस्तु का जड़त्व क्या है, ज्यादा है। तो जड़त्व द्रव्यमान का मापक है, इनर्शिया इज ए मेजरमेंट ऑफ मास। तो जड़त्व क्या है, हम लिख सकते हैं कि जड़त्व किसी वस्तु का, जड़त्व किसी वस्तु का एक ऐसा गुणधर्म है जड़त्व किसी वस्तु का एक ऐसा गुणधर्म है जिसके कारण वह अपनी स्थिति में, जिसके कारण वह अपनी स्थिति में परिवर्तन करने का या परिवर्तन होने का विरोध करती है। तो जड़त्व किसी वस्तु का एक ऐसा गुणधर्म है जिसके कारण वह अपनी स्थिति में परिवर्तन होने का क्या करती है बच्चों, विरोध करती है। ठीक है, और मेन पॉइंट लिखिए कि जड़त्व कोई भौतिक राशि नहीं है, जड़त्व कोई भौतिक राशि नहीं है। ठीक है, बल तो भौतिक राशि है, नहीं जड़त्व कोई भौतिक राशि नहीं है, ये तो एक गुण है, गुणधर्म है, प्रॉपर्टी है, कोई भौतिक राशि नहीं है। जड़त्व द्रव्यमान का मापक है, जड़त्व किसका मापक है भाई, द्रव्यमान का मापक है, मास। इसका मतलब किसी वस्तु का द्रव्यमान कम है तो उसका जड़त्व भी कम होगा, और किसी वस्तु का द्रव्यमान ज्यादा है तो उसका द्रव्यमान भी क्या होगा, और जड़त्व भी क्या होगा, ज्यादा होगा। ठीक है, तो ध्यान रहे जड़त्व कोई भौतिक राशि नहीं होती है। तो हम लिख सकते हैं, देखो जड़त्व जो है वो तीन प्रकार का होता है, जड़त्व निम्न तीन प्रकार का है। जड़त्व कितने प्रकार का होता है, तीन प्रकार का। देखो कौन कौन सा, जैसे मैंने बोला विराम अवस्था का जड़त्व या विराम का जड़त्व, जड़त्व कौन सा हो गया, विराम का जड़त्व, इनर्शिया ऑफ रेस्ट। दूसरा मैंने बोला गति का जड़त्व, गति का जड़त्व। ठीक है, तीसरा मैंने बोला दिशा का जड़त्व, क्या बोला, दिशा का जड़त्व। तो बिल्कुल आप समझ गए होंगे कि जड़त्व तीन प्रकार का है, विराम का जड़त्व, यानी ये जो विराम का जड़त्व है ये वस्तु को हमेशा कौन सी अवस्था में रखेगा, विराम अवस्था में रखेगा। यानी अगर कोई वस्तु विराम अवस्था में है और उसे आप गतिशील करना चाहते हो तो जो विरोध होगा वो किसके कारण होगा, विराम के जड़त्व के कारण होगा। तो विराम का जड़त्व क्या होगा, वस्तु को विराम अवस्था में रखेगा। ऐसे अगर कोई वस्तु गतिशील है आप उसे विराम अवस्था में लाना चाहते हो तो उसका विरोध होगा, किसके कारण, गति के जड़त्व के कारण। तो गति के जड़त्व के कारण वस्तु हमेशा कौन सी अवस्था में रहना चाहती है, गतिशील अवस्था में रहना चाहती है। और ऐसे ही कोई वस्तु एक निश्चित दिशा में गतिशील है तो वो उसी दिशा में रहना चाहती है, किसके कारण, दिशा के जड़त्व के कारण। तो जड़त्व तीन प्रकार का होता है, विराम अवस्था का जड़त्व, गतिशील अवस्था का जड़त्व, और तीसरा दिशा का जड़त्व। ठीक है बच्चों, तो ये बातें हैं किसके बारे में, जड़त्व के बारे में। तो जड़त्व क्या होता है, एक ऐसा गुणधर्म है जो किसी वस्तु की स्थिति में होने वाले परिवर्तन का विरोध करता है। जड़त्व कोई भौतिक राशि नहीं होती,
ये द्रव्यमान का मापक है, यानी कोई हल्की वस्तु है तो उसका जड़त्व कम है, कोई भारी वस्तु है उसका जड़त्व ज्यादा है। तीन प्रकार का हुआ विराम, गति और दिशा का। ठीक है, नेक्स्ट अगले वीडियो में। थैंक यू।